हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ खुशबू और हिंग कोच के इस वीडियो लेसन में आपका स्वागत है, जहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू, और वो भी बहुत आसान तरीके से। दोस्तों, हमारी ऑफिस कॉन्वर्सेशन या ऑफिस इंग्लिश की इस सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ। आज हम सीखेंगे ऑफिस कॉन्वर्सेशन idioms। idioms हम ऐसे किसी सेंटेंस को, वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जिनका असली मतलब, यानी कि लिटरल मतलब जो होता है, लिटरल ट्रांसलेशन जो होती है, वो उनके फिगरेटिव, यानी कि उनको जब बोला जाए तो उनसे हम क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, उससे थोड़ी सी अलग होती है। अगर आप एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड किसी idiom का ट्रांसलेशन करेंगे तो आप वो मतलब नहीं समझ पाएंगे जो उसके पीछे छुपा हुआ है, यानी कि जो एक फेमस उसके पीछे मीनिंग है, एक फिगरेटिव मीनिंग है। इसलिए idioms एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेगुलर, आपकी मंडेन ऑफिस कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी स्प्रूस हो जाए, थोड़ा ब्रश अप हो जाए, थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाए, तो आपको idiom सीखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ये वीडियो लेसन देखते रहें। तो दोस्तों, हमारा पहला idiom है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल एक ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं जब आप ऑफिस में अपने टाइम से ज़्यादा, यानी कि अगर आप 8 hours जॉब करते हैं तो अगर आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप ओवर टाइम कर रहे हैं किसी काम की वजह से, या फिर आप ऑफिस में अपने समय से ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ऑफिस 7 बजे बंद हो जाता है लेकिन somehow आपको किसी काम की वजह से वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 9 या 10 बजे तक रुकना पड़े, तो देर रात तक काम करना, इसको हम बोलते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, जब आप ऑफिस का काम बहुत देर रात तक करते हैं या फिर एक लंबे समय से ज़्यादा करते हैं, इसे हम बोलेंगे बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। सेंटेंस में आप कह सकते हैं आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टुडे इफ़ आई वॉन्ट टू मीट द डेडलाइन, यानी कि अगर मुझे डेडलाइन का मतलब क्या होता है, किसी काम को पूरा करने की जो लिमिट होती है दोस्तों, जो सीमा होती है, टाइम हो गया, दिन हो गया, उसे हम बोलते हैं डेडलाइन, यानी कि जिस डेट पर, जिस टाइम तक आपको वो काम कंप्लीट करना होता है। सो अगर मुझे डेडलाइन कंप्लीट करनी है या डेडलाइन मीट करनी है, पूरी करनी है, तो मुझे आज देर रात तक काम करना पड़ेगा या देर तक काम करना पड़ेगा। आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यानी कि मुझे देर रात तक काम करना नहीं पसंद, मुझे समय से ज़्यादा काम करना नहीं पसंद, मैं बस अपने टाइम के हिसाब से जितना ज़रूरी है उतना काम करती हूँ या करता हूँ, मुझे देर रात तक ऑफिस रुकना या ऑफिस में काम करना कुछ खास पसंद नहीं है। सो बेसिकली ये idiom यूज़ किया जाता है ये दिखाने के लिए कि आप बहुत बिजी हैं या फिर आपका काम बहुत सारा है। बिजी होने से ही एक और idiom आता है, वो है अलॉट ऑन माई प्लेट। अलॉट ऑन माई प्लेट का मतलब होता है जब आपके पास बहुत बहुत सारा काम हो, आप बहुत बिजी हो, यानी आप किसी और चीज़ के साथ डील करने का आपके पास टाइम ही नहीं है, तब आप बोलेंगे अलॉट ऑन माई प्लेट। फॉर एग्ज़ाम्पल विथ 2 new projects स्टार्टिंग दिस वीक आई एम गोइंग टू हैव अलॉट ऑन माई प्लेट। इस हफ्ते या अगले हफ्ते नए जो 2 project स्टार्ट होने वाले हैं उनकी वजह से मेरे पास बहुत सारा काम होगा, मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ, यानी कि आई हैव अलॉट ऑन माई प्लेट, मेरे पास बहुत सारा काम होने वाला है। आई एम यूज्ड टू हैविंग अ लॉट ऑन माई प्लेट दीज डेज, यानी कि आजकल मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे आदत पड़ गई है इसकी, आई एम यूज्ड टू, मुझे बहुत सारा काम करने की या मेरे पास बहुत सारा काम होने की या बिजी होने की आदत पड़ गई है। आई एम यूज्ड टू हैविंग अ लॉट ऑन माई प्लेट दीज डेज। तो ये 2 idiom हैं जिनका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपके पास काम बहुत सारा हो या फिर आपको बहुत लंबे टाइम तक काम करना पड़े। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट idiom है बीट द क्लॉक। बीट द क्लॉक का हिंदी में मतलब है जब आप समय सीमा या समय सीमा से पहले या उसके अंदर, डेडलाइन के अंदर या उस टाइम के अंदर अंदर आप कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं, यानी टाइम पर आप काम पूरा करते हैं या टाइम से पहले, तो तब आप वहाँ पर बोलते हैं बीट द क्लॉक। यहाँ पर क्लॉक वर्ड रिप्रेजेंट करता है टाइम को, यानी कि जब सपोज आप करें टाइम और आपके बीच अगर रेस है तो अगर उस रेस में आप फर्स्ट आ जाएं, यानी आप टाइम को पूरा होने से पहले ही अपना काम पूरा कर दें, सो आपने क्या किया, यू हैव बीटन द क्लॉक, तो आप वहाँ क्या बोलेंगे, बीट द क्लॉक। सेंटेंस में आप बोल सकते हैं
आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू बीट द क्लॉक एवरी सिंगल टाइम. मुझे समझ नहीं आता कि तुम हर बार कैसे अपना काम टाइम से पहले ही पूरा कर लेते हो. इफ वी हैव टू बीट द क्लॉक वी नीड टू वर्क हार्डर. अगर हमें टाइम पर काम पूरा करना है, टाइम से पहले काम पूरा करना है, तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. तो बीट द क्लॉक का मतलब जब आप समय सीमा से पहले या टाइम के अंदर काम पूरा कर लें. दोस्तों, हमारा नेक्स्ट ऑन द लिस्ट है केक वॉक. केक वॉक एक सिंपल वर्ड है जिसको एज एन इडियम यूज़ किया जाता है. इसका मतलब होता है कोई काम बहुत आसान होना. जी हाँ, इसका केक से कोई संबंध नहीं है. ये एक इडियम है जो ये दिखाता है कि कोई चीज़ जो बहुत आसान होती है उस काम को हम बोलते हैं केक वॉक. अगर आप बोलें दिस इज़ अ केक वॉक फॉर हिम, यानी कि आप यहाँ ये बोल रहे हैं कि ये काम उसके लिए बहुत आसान है. केक वॉक इन अ वे ऑफिस कॉन्वर्सेशंस में थोड़ा इनफॉर्मली यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट वरी, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दिस कॉन्फ्रेंस इज़ अ केक वॉक फॉर मी. फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव है, ये कॉन्फ्रेंस तो मेरे लिए बहुत आसान है. हिंदी में आप बोलते हैं ना, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है. ये बिल्कुल वैसा ही है. केक वॉक यानी कि कोई चीज़ इतनी आसान जिसे आप बिना किसी मेहनत के, बिना कोई ज़्यादा कोशिश करें, ईजीली कर दें. एग्ज़ाम्पल आप ये भी दे सकते हैं कि गेटिंग दिस डील इज़ अ केक वॉक फॉर हिम, ये डील पाना उसके लिए बहुत आसान है. इसका नेगेटिव सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब कोई चीज़ आसान नहीं होती है तो आप उसको बोलेंगे वर्किंग विद माई बॉस इज़ नॉट अ केक वॉक, यानी कि मेरे बॉस के साथ काम करना कोई आसान काम नहीं है. इसका मतलब आपने ये एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किया है. केक वॉक का मीनिंग वही है कि आसान काम, लेकिन जब आपने बोला इट्स नॉट अ केक वॉक तो आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ बहुत आसान नहीं है. नेक्स्ट इन आर लिस्ट इज़ बैक बर्नर. दोस्तों, बैक बर्नर का मतलब होता है इन प्रोफेशनल टर्म्स स्पेशली ये यूज़ किया जाता है जब आप किसी काम को रोक दें, बीच में रोक दें, या फिर उसको प्रायोरिटी की लिस्ट से थोड़ा सा पीछे हटा दें. तो इसका मतलब आपने उस काम को बैक बर्नर पर रख दिया है. हिंदी में इससे मिलता जुलता एक फ्रेज़ है जिसे हम बोलते हैं ठंडे बस्ते में डालना. इसका मतलब ये होता है जब आप किसी काम को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आप उसको पीछे रखते हैं कि अभी ये करना इतना ज़रूरी नहीं है, या किसी कारण आपको वो ऐसा करना पड़ जाए. सेंटेंस में अगर आप इसका यूज़ करें तो आप कह सकते हैं फॉर नाउ वी हैव टू पुट दिस प्रोजेक्ट ऑन द बैक बर्नर. अभी के लिए हमें इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को पीछे रखना पड़ेगा, ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा, हम इसे अभी नहीं कर सकते, हम इसके साथ डील नहीं कर सकते. एज अ वर्ब भी बैक बर्नर का इस्तेमाल किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं इट सीम्स लाइक दे हैव बैक बर्नर्ड योर प्रमोशन. इसका मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारी प्रमोशन को, तुम्हारी पदोन्नति को बैक बर्नर, ठंडे बस्ते में डाल दिया है. मतलब उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रायोरिटी की लिस्ट में वो बहुत नीचे आ चुका है. सो बैक बर्नर का मतलब किसी चीज़ को प्रायोरिटी ना देना, इम्पॉर्टेंस ना देना, या फिर उस काम को बाद में करना, पहले दूसरे कामों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना. आई रियली होप कि आपको आज का लेसन यूज़फुल लगा हो. इन idioms का इस्तेमाल आप अपनी ऑफिस कॉन्वर्सेशन में ज़रूर करें. थोड़ी सी रेगुलर टॉक, थोड़ी रोज़ाना की बातचीत जो होती है उसको थोड़ा सा बेटर करें, अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाएं. आपको अगर आज का लेसन यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने कॉलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने ऑफिस में वाले लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन प्रेस करें. बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारे सारे लेसन्स जो अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है और आप एक भी लेसन मिस नहीं करेंगे. आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच.